दरअसल मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। यहाँ तक मुझे याद है, जब आप पहली बार हमारी हवेली पर आई थी तो आपने कहा था ना कि आप काली शक्तियाँ, कल्ट पावर्स पर कुछ रिसर्च कर रही हैं, तो उसी सिलसिले में कुछ सवाल थे मेरे। पूरनगढ़ तो कल्ट पावर्स का गढ़ है और आपका जन्म तो यहीं हुआ है ना, तो मैं आपसे ज्यादा तो नहीं जानती हूँ। डायन कब और क्यों रोती है ये जानना था मुझे। डायन खुद आपके सामने है और आप एक अकल्ट रिसर्चर से पूछ रहे हैं। जाइए, जाके छाया से ही पूछ लीजिए। सौदामिनी जी, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूं, प्लीज मदद कर दीजिए। आप लोगों ने महल पे मुझे जगा दी, मेरी खातिरदारी भी कर रहे हैं। मुझसे जो होगा मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन एक सवाल, आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्या है ना, आपकी हेल्प करने के चक्कर में मैं डायन की चोटी से नहीं लटकना चाहती हूँ। उसे सच बताना ठीक नहीं होगा। करिए मत, ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो क्या है ना, मैं छाया के कमरे के बाहर से गुजर रहा था तो मुझे रोने की आवाज सुनाई दी, तो मुझे लगा कहीं वो किसी प्रॉब्लम में हो, और अगर ऐसा है तो हम सबके लिए बहुत खतरा है, खासकर निकी, मेरे परिवार सबके लिए ना, तो बस इसीलिए आपसे मदद मांग रहा हूँ ताकि मैं शायद छाया की मदद कर पाऊँ। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी रात को, इसके मन में कोई तो खिचड़ी पक रही है। पता लगाने के लिए मुझे इसकी हेल्प करनी ही होगी। वाह, क्या बात है। जिस डायन की वजह से आपका पूरा परिवार इतने खतरे में है, आप उसी की मदद करना चाहते हैं, क्या बात है। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ये रहे आपके सारे सवालों के जवाब। डायन बनना बिल्कुल भी आसान ना हो। सबसे पहले अपनी सगी औलाद या अपने मर्द की बलि देनी पड़त है, और फिर जब डायन रोवत है तो फिर उसके भीतर का दर्द आंसू बन जात है, इतना जहरीला हो जात कि आंख से बाहर निकलते ही उसका आंसू पारा बन जात है। डायन का ये आंसू डाकनी के जान का दुश्मन यही माई कहत है। डायन का पारा डाकिन को मारा। अच्छा, तो ये डायन को रुलाकर उसके आंसुओं से निकी की हेल्प करना चाहता है। ये तो कमाल का सीक्रेट हाथ लगा है। इसका पूरा फायदा। सॉरी, तुम पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। डायन को खुद नहीं पता उसके आंसू कितने खतरनाक होते हैं। तांत्रिक उसका इस्तेमाल डाकनी, शाकनी, साक्षिणी जैसी बलाओं को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायन का आंसू सैकड़ों साल में एक आध बार केवल तभी निकलत है जब कोई उसे उसका असली बुरा घिनौना रूप दिखावत है, और वो रूप केवल सत्य दर्पण ही दिखा सकत है। अब ये सत्य दर्पण क्या है और कहाँ मिलेगा?